नमस्कार, मैं जनबा टाइम से प्रताप सिंह आजाद। आप देख रहे हैं सच के साथ एक कदम। आगरा में 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती एवं भीम नगरी समारोह समिति में एवं जाटम महापंचायत के तत्वाधान में नगर निगम स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के प्रांगण में भारत रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 63वें महा निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 63वीं महाप्रणाम दिवस पर श्रद्धा के समान अर्पित करते हुए यहाँ जो अध्यक्ष जी ने बताया कि 20 वर्ष पूर्व उन्होंने बड़े संघर्ष के साथ इस मूर्ति को स्थापित किया था, तब यह मूर्ति यहाँ लग पाई थी और उन्होंने इसकी मुकदमे भी झेले, बहुत सारी परेशानियाँ उठाई। हम लोग तब तो नहीं थे उनके साथ में, लेकिन जो लोग उनके साथ में थे वो लोग भी इनकी संघर्ष की बड़ी प्रशंसा करते हैं और सरपंच देवी प्रसाद आजाद जी के प्रयासों से, उनके प्रयासों से और उनके जितने भी सब साथी थे उनके प्रयासों से ये मूर्ति यहाँ लगाई गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का 63वां पर निर्माण दिवस का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिसमें जाटम महापंचायत आगरा और भीम नगरी केंद्रीय समिति के सभी सम्मानित जिम्मेदार साथीगण यहाँ उपस्थित हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि कृपया कर अपना अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। माल्यार्पण करने के लिए मुख्य रूप से हमारे बीच कुछ ही क्षणों में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री माननीय जीएस धर्मेश जी यहां पधार रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती एवं भीमनगरी समारोह समिति एवं जाटम महापंचायत संयुक्त रूप से ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 20 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था, जब से हम निरंतर यहाँ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसी बीच में ये छोटी मूर्ति है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की, ये हम लोगों ने बड़े जतन और प्रयत्न के साथ सन 1990 में लगाई थी और इसमें कई व्यवधान उत्पन्न हुए, लेकिन जाटप महापंचायत ने उस समय बड़े संघर्ष के साथ, माननीय सरपंच जी बैठे हैं, मैं स्वयं और हमारे कार्यकर्ता सभी लोगों ने सुबह 8 बजे इस मूर्ति का यहाँ शिलान्यास करवाया था, लेकिन जिला प्रशासन ने, नगर निगम प्रशासन ने ये प्रयास किए ये मूर्ति ना लगे, लेकिन हम लोगों ने बड़े संघर्ष के साथ इस मूर्ति को यहाँ लगवाया और इसके बाद यहाँ जब नगर आयुक्त श्री श्याम सिंह हुआ और अब जाके 2019 में मैं इससे बड़ी, उसके बाद श्याम सिंह यादव से बड़ी दोस्ती हुई, गहन मित्रता हुई, तब उन्होंने कहा कि आपका प्रायश्चित जब ही होगा तब इस प्रतिमा से कई गुना बड़ी और अष्ट धातु की मूर्ति यहाँ लगवा दें। मेरे सामने जो भव्य प्रतिमा देखी है ये उसी का प्रादुर्भाव है, ये उसी का ही कारण है। हम लोगों ने बड़े ही, अभी ये ग्वालियर से मैं बनवा के लाया था और पूरा का पूरा पैसा नगर निगम ने इसमें लगाया, ये हम लोगों ने इस यहाँ संघर्ष किया, तब जब से हम यहाँ लगातार निरंतर इस जगह हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 6 दिसंबर तक करते हैं। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का प्यार जो हम लोगों को मिलता है और उसी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं। ये संघर्ष रहा और बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, इसी संघर्ष पर बाबा साहब के
उनके बताए हुए मार्ग पर अपने विचार रखते हैं ताकि किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। उसका जो मेन उद्देश्य है मेरा वो है महिलाओं को संगठित करना। मेरे विचार से महिलाएं जब एकत्रित होंगी संगठित होंगी तभी कुछ कर सकते हैं। सभी पुरुषों से मेरा आग्रह है कि अपनी अपनी महिलाओं को हम लोगों के साथ ऐसी ही समिति में जोड़ें और मेरा सभी से ये आग्रह है। कहिए ना हमें वही नीचे वो बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, हाँ चेहरा दिखता रहे, बस बस बस।